आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने लद्दाख के बारे में पहले कभी सुनी होगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैंने पूरे ट्रिप में सोलो खुद को हैंडल किया था और बहुत ही हार्ड सिचुएशन को फेस किया था। सबसे पहली बात है हेल्थ रिलेटेड परमिशन की। तो लद्दाख बहुत ही ऊंचाई पे है, शायद ही इंडिया में कोई दूसरा जगह इतनी ऊंचाई पे है। तो ऐसा मानना है कि लद्दाख जाने से पहले डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, ये परमिशन हम लोगों को लद्दाख में इंटर करते समय शो करना पड़ता है या आर्मी में कहीं पे जमा करना पड़ता है, तभी अनदर परमिशंस मिल पाता है, अदर परमिट्स मिल पाता है। तो बता देना चाहता हूँ ऐसा कोई भी बात नहीं है, लद्दाख जाने के लिए कोई भी हेल्थ परमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट हाँ, आप अपने आप में श्योर हो जाओ कि आपके हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, आपको कोई सांस का प्रॉब्लम नहीं है। अगर सांस का प्रॉब्लम है और कुछ दूसरा प्रॉब्लम भी है आपके हेल्थ में, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लो कि मैं लद्दाख जाने वाला हूँ या बहुत ऊंचाई वाली जगह में पहाड़ों में ट्रैवल करने वाला हूँ। पर डॉक्टर आपको अगर सलाह देता है तभी आप जाओ, वरना मत जाओ। ऐसे कोई भी आर्मी या कोई भी लोग आपसे पूछने वाला है नहीं कि आपका परमिशन क्या है, आपका हेल्थ कैसा है, कुछ नहीं पूछने वाला है कोई भी। आप अपने आप में पहले श्योर हो लो। और दूसरा बात कि आप वहाँ जा करके स्मोकिंग मत करो। अगर आप स्मोकिंग करते भी हो तो वहाँ जाने के पहले ही कुछ महीनों से अवॉइड करो और वहाँ पर बिल्कुल ही मत करो। हो सकता है कि वहाँ पर स्मोकिंग करने से आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब दूसरी बात है अनवांटेड स्टॉप्स की। तो हम क्या करते हैं, पहले ही प्लानिंग बना लेते हैं कि मुझे इस दिन यहाँ से यहाँ जाना है। प्लानिंग करो बहुत अच्छी बात है, बट उसको फिक्स मत करो, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो। कोलकाता से निकल के जम्मू पहुँचा तो किसी भी स्टेट के बॉर्डर पे किसी तरह का अनवांटेड स्टॉपेज मुझे नहीं करना पड़ा। बट जब मैं जम्मू से श्रीनगर के लिए निकला था, जो लगभग 250 किलोमीटर्स के आसपास है, मैं जवाहर टनल पहुँचा। जवाहर टनल लगभग जम्मू से 175 किलोमीटर है। जब मैं जवाहर टनल पहुंचा तब 3 बज रहे थे, तो ऐसे में जौहर टनल बंद कर दिया गया था। आर्मी वालों ने बोला कि सिक्योरिटी रीजंस है, हम बंद कर देते हैं। पता नहीं कि ये हमेशा 2 बजे के बाद बंद हो जाता है या, बट मैं जिस दिन वहाँ से ट्रैवल कर रहा था उस दिन वो बंद था। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो जौहर टनल के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है 24 आवर ओपन रहता है, बट ऐसा नहीं है, वो 2 बजे के बाद उस दिन बंद हो गया था। अब वो बंद होने के कारण हमें 10 किलोमीटर रिटर्न वापस आना पड़ा था। 10 किलोमीटर जब मैं रिटर्न वापस आया, उसके बाद मुझे कुछ एक टेंट्स वगैरह मिला, तो वहाँ पे पूरा वो शाम मुझे बिताना पड़ा, रात बिताना पड़ा। फिर मैं अगले दिन वहाँ से फिर श्रीनगर के लिए निकला था सुबह सुबह। ये स्टॉपेज क्रॉस करने के बाद मुझे लेह तक जाने में कहीं कोई वैसा कोई अनवांटेड स्टॉपेज नहीं लेना पड़ा था। यूजिला के लिए भी अनवांटेड स्टॉप आपका हो सकता है, ओके, तो उसका भी ख्याल आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। जब मैं लेह से रिटर्न आ रहा था, ऐसे मैं सोचा था कि मनाली वाले रूट से रिटर्न आऊँगा सर्किट कम्प्लीट करके। तो जिस दिन मैं सोचा था मनाली के लिए निकलूँगा, उस दिन वो रास्ता बंद था, तो मैं ज़्यादा दूर जा नहीं पाता। आगे जाके फिर से स्टॉपेज करना पड़ता, फिर कितने दिन बाद रास्ता खुलता नहीं खुलता, कोई वैसा कुछ था नहीं। और मेरा हेल्थ धीरे धीरे डैमेज ही होता जा रहा था, इसलिए मैं श्रीनगर वाले रास्ते से रिटर्न आने लगा था। तो मेरा लक ख़राब था, मैं जब आ रहा था तो रास्ता बंद हो गया, आर्मी वाले रोक लिए, बोले अब आपको थोड़ा रिटर्न जाना पड़ेगा, कहीं होटल लेकर के रुक जाइए, अगले दिन खुलेगा तो ये जा पाओगे, अगले दिन कितने बजे खुलेगा, बोले जब खुलेगा तो आपको होटल से पता चल जाएगा। और एक बात है कि जब मैं कारगिल या कुछ ऐसा ही कुछ एक छोटा सा सिटी वगैरह जब मैं क्रॉस कर रहा था, तो कुछ लोग थे जो रस्ते में मुझे रोक लिए। राइड पे था मैं, उनसे उतना कुछ पूछा नहीं, वो बोले भैया 20 रुपया दीजिए, मैंने उनको दे दिया, बदले में वो मुझे एक पर्ची दिया, मैं आगे चला गया। ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ था, मतलब जाते समय, आते समय भी 1-2 बार हुआ। पता नहीं रहता है कि क्या है नहीं है, मेरे को उतना पता नहीं चल पाया, बट जो भी है ये था। बात कर लेते हैं ट्रक ओवरटेकिंग की। तो उनका 1 वीक में 2 बार, महीने में 3-4 बार उनका आना जाना हो ही जाता है। आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितने बार भी गए हो, उनके साथ मत लगो। सामने से वो आ रहे हो या पीछे से आ रहे हो, आप पहले साइड हो जाओ, उनको आने दो, जाने दो, उनको ओवरटेकिंग करने दो, ठीक है ना। उनके साथ मत लगो, उनको पॉइंट टू पॉइंट याद है कहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है, कहाँ पे गड्ढा है, सब कुछ। और उनके पीछे पीछे मत चलो। एक मान लो ट्रक के सामने कुछ आ गया, वो तो आपको नहीं दिखा दे रहा, ट्रक वाले ने ब्रेक मार दिया, या सामने गड्ढा ही आ गया, ट्रक वाले ने ब्रेक मार दिया, अब आप क्या करोगे। आप तो स्पीड में हो, या तो आप ट्रक के पीछे ठोकोगे या ट्रक का लेफ्ट राइट लोगे। ट्रक से आप जैसे ही लेफ्ट राइट लोगे, या तो गड्ढे में गिरोगे या तो कहीं भी गिर जाओगे, ठीक है ना। तो एकदम ट्रक के पीछे सट सट के नहीं चलना है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे राइडर क्या करते हैं, भर भर के फ्यूल भर लेते हैं, मतलब अपने बाइक
में इधर फ्यूल, आगे फ्यूल, पीछे फ्यूल, फ्यूल का डिब्बा ही डिब्बा रहता है उनके बाइक में। जो भी होता है इतना ज़्यादा पेट्रोल का जरूरत नहीं पड़ता। आपका कोई भी बाइक हो, आपका बाइक कैपेबल है। मेरा पल्सर 220 था, एक्स्ट्रा फ्यूल का एक भी बोतल या एक भी बूंद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। हर जगह पे मुझे पेट्रोल मिल गया। अब अपने बाइक के रेंज के हिसाब से कि फुल टैंक में वो कितना चल सकता है या किस जगह के बाद किस जगह पेट्रोल पंप है, वो अपना आप देख लेना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मैग्नेटिक हिल। इसके बारे में सुनते ही लोगों को लगता है कि अब तो मैग्नेटिक हिल देखना ही है, कि ऐसा भी क्या है। पहाड़ के नीचे गाड़ी को रख देते हो तो वो गाड़ी पहाड़ पे अपने आप चढ़ने लगता है। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहाड़ के ऊपर में एक मैग्नेट है जो कि सारे गाड़ियों को अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेता है। आप गूगल में सर्च करके मैग्नेटिक हिल के बारे में अच्छे से देख लो, वहाँ आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिससे हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। पर देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी पहाड़ पे उठा जा रहा है, बहुत ही मज़ा आता है देखने में, है ना। बट ऐसा सच्चाई नहीं है, इसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। तो जो भी हो, आप मैग्नेटिक हिल के बारे में आप गूगल सर्च करके देख लो। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशंस भी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और आपको भी लद्दाख राइड अब कुछ कुछ हल्का लगने लगा होगा, कैसे राइड करनी है, कैसे नहीं करनी है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, कहाँ कहाँ फ्यूल है, कुछ भी हो आपको बहुत अच्छे से इसका नॉलेज मिल गया होगा। सही इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकती है, और गलत इन्फॉर्मेशन और कम इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी बड़ा कर देती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ओके, चलिए।